अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऊपर आई बटन नज़र आ रहा होगा, पुरानी वीडियो की प्लेलिस्ट है तो ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जी मैं बना रही हूँ देसी कस्टर्ड। मेरी भाभी का अचानक ही दिल कर रहा था मीठा कुछ खाने को, तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए देसी कस्टर्ड, घर में कुछ भी नहीं, मैं फ्रूट केक था तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। ट्राइफल वगैरह उसका दिन था दिल कर रहा, तो मैंने कहा चलो बिगनेस को ये भी शेयर कर देती हूँ क्या बना रही हूँ। फ्रूट केक और ये जेली बनानी तो सबको आती होगी, लेकिन मुझे एक टिप देनी थी कि उसके ऊपर 2 कप लिखा होता है, लेकिन आप हमेशा 1.5 कप पानी डाला करो, फिर इससे बहुत अच्छी सॉफ्ट स्मूथ और जेली बनती है, नहीं तो पानी पानी हो जाती है। ये जी जेली को बॉईल करके सिर्फ बीच में डालना है, मिक्स करना बॉईल हो जाते। ये मैंने आधा लीटर जेली बना के फ्रीज़र में रख देंगे, और आधा लीटर हॉल्पर का दूध लिया था, घर के दूध में सही नहीं बनता, वैसे लगता है लस्सी में पाउडर घुला हुआ है। तो रफान का कस्टर्ड लिया है, कस्टर्ड आप घर में भी बना सकते हैं। 5 चम्मच मैंने चीनी के लिए, वो खाने वाले चम्मच नहीं होते, खाना सर्व करने वाले सर्विंग चम्मच वो, और 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऊपर लिखा है 1/2 लीटर पर, उससे कुछ नहीं होता, 4 टेबल स्पून डाल दो तो फिर अच्छा स्मूथ सा कस्टर्ड बनता है, नहीं तो लेवी बन जाता है आपका। ये दूध में मिक्स करके चीनी डाल, दूध बॉयल हो गया इसमें चीनी डाल के फिर कस्टर्ड डाल के इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे, ये जब थिक हो जाएगा तो डालते साथ ही थिक हो जाता है। बस 2-3 बॉयल आने पर हम इसको उतार लेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान ईजी है, आप घर में भी कस्टर्ड बना सकते हैं अगर आपके पास पाउडर नहीं है। अंडे की सफ़ेदियाँ अलग कर ले, जर्दियाँ 3 आधा लीटर में 3 जर्दियाँ काफ़ी होती हैं, उनको अच्छे से मिक्स करके और वनीला एसेंस बीच में डाल दें और आपका मज़ेदार कस्टर्ड तैयार हो जाता है। ये पाउडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर आपके पास वो भी अंडे नहीं है तो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके तो उसमें आप वनीला एसेंस डाल दें और फूड कलर डाल लें और आपका कस्टर्ड तैयार। बहुत ही इजी आसान टिप्स है, वैसा भी मैं बनाना आपको बता दूँ कि आप इजीली बना सकते हैं। ये जी अब इसकी हम लेयरिंग करते हैं। कस्टर्ड को ठंडा करके सबसे पहले नीचे मैंने कस्टर्ड लेयर लगा लिए। अगर सबसे पहले केक लगाओ तो वो फिर नीचे खुश्क ड्राई वाला वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे अगर आपके पास कोई जूस वगैरह नहीं है तो आप सीधा पहले कस्टर्ड लगाएं। ये बाइक कहाँ से आ गया, अंदर सब शोर कर रहे थे, मैं टेरेस पे आई हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए तो अब बाहर बाइक की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। ये जी आप नीचे लेयर लगा लें इसकी केक की, तो ऊपर ये अब जेली कट करके एक लेयर में जेली की लगाऊंगी और उसके ऊपर फिर कस्टर्ड लगाऊंगी, फिर थोड़े से एलमेंट्स डाल दूंगी और फिर हम इसकी लेयर लगा देंगे। ये जी ये मैंने फोल्ड करके उसमें से निकाल लिया। अब ये देखें बहुत ही इजी आसान है। चलो ये पड़ पड़ बाइक जा ही नहीं रहा, चला गया। तो बहुत ही इजी आसान रेसिपी है, रमज़ान में भी आप चटपट बना सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं होती है मीठे का। रमज़ान में काफ़ी मीठा खाने को दिल करता है क्योंकि सारे समोसे पकोड़े सब नमकीन नमकीन होता है, फ्राई चीज़ें, तो फिर मीठा भी कुछ होना चाहिए, तो इसलिए आप ये रमज़ान में भी बना सकते हैं। लोग इतनी रेसिपीज़ बता रहे हैं, इतना बस रमज़ान में बस खाते रहो, सब अब भी बना देंगे तो रमज़ान में क्या बताएंगे। चले जैसी सबकी मर्ज़ी। ये एक लेयर लगा ली है, फिर मैंने आलमंड्स भी डाल दिए, पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आता है। जो है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जो आपके पास है आप अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं उसने ये बनाया तो ये करना है, वो चीज़ आपके पास है तो आपने लगानी है, आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर एक लेयर ऊपर और जेली की लगा दी तो फ्रिज में ठंडा करके खाएं। भाभी ने तो गरम गरम खाया था, उसको गरम खाने को दिल कर रहा था, फ्रिज में ठंडा करके खाएं बहुत मज़ेदार टेस्टी बनता है। फिर ये अगले दिन रोज़ा था तो रफ्तारी में फिर मैंने ये पोटैटो कटलेट्स बना लिए, साथ में एग मैक्रोनी बना ली थी तो वो खाई। उससे अगले दिन फिर जी मेरा पेट ख़राब हो गया, तो ये काफ़ी दिन का ब्लॉग कट्ठा मैं बता रही हूँ। तो फिर मैंने दही और ब्रेड और छिलका डाल के खाया, बहुत मुझे टेस्टी मज़ेदार लगता है। कल लास्ट वाला वीडियो ये सारे हमारे अनार ख़राब निकले, मैं बता रही, मेरा भाई लेके आया, जो कोई डाल के देता है चुप करके ले आता है, सारे ख़राब निकले, इतना नुकसान हो गया। उसके बाद जी ये लास्ट व्लॉग में मैं बहुत सैड थी, मैंने पता नहीं क्या क्या आपको स्टोरी सुनाई है, लेकिन मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई। ये भी जी रावलपिंडी में टोगीज़ इनकी मामा लॉस्ट हो गए, किसी ने उसको भी मार दिया, तो ये बेचारे अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ इनको अडॉप्ट कर लें।